मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू आर गुड. ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम. ओके, डोंट गो आउटसाइड योर होम. नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज क्लॉथ मटेरियल्स फाइबर्स टू फैब्रिक्स. ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर बोथ नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स. सो वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट द natural fibers. okay, so fibers are obtained from plants and animals. so in this chapter basically we are going to talk about only animals fibers. okay, so we have talked that wool is obtained from animal fibers. wool and silk are the animal fibers. so wool is obtained from sheep and silk is obtained from silk producing insect. okay, so ऊल जो होता है वो हमें शीप से मिलता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऊल फ्रॉम शीप. ओके, सो वी हैव लर्न दैट ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम इन इंडिया मेनी स्पीसीज ऑफ शीप. ओके, सो शीप इज रियर्ड एंड ब्रीड. ओके, तो उनको एक जगह पे उनको रखा जाता है. बहुत सारे जो शीप होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है ताकि उनके जो हेयर्स होते हैं, क्योंकि हेयर्स से ही ऊल फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं ताकि उनके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो. ओके, वो ज्यादा फ्लफी हो, ज्यादा लंबे हों. ठीक है, तो उनको जो है अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है. नाउ जब जो शीप होते हैं उनकी हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ठीक है, यानी कि हेयर्स जो होते हैं वो मैच्योर एंड ग्रो एंड मैच्योर हो जाते हैं, देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स फ्रॉम द शीप. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज शियरिंग. तो आफ्टर शियरिंग देयर इज मेनी प्रोसेस टू ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम द हेयर्स और फ्लीस ऑफ द शीप. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम द शीप. ओके, सो शियरिंग है फर्स्ट, देन आपका साउरिंग है, देन सॉर्टिंग, देन कार्डिंग, देन आपका हो जाएगा डाइंग, देन स्पिनिंग, देन वेविंग. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज शियरिंग. ओके, वंस द हेयर ऑफ शीप इज की ग्रो मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, अच्छी खासी जब ग्रोथ हो जाती है, देन द की जो पर्सन होता है वो शीप से उसके हेयर को रिमूव करता है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, ओके, द प्रोसेस ऑफ शेविंग शीप्स बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग. ओके, और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर्स ऑफ शीप टू ऑब्टेन फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग. ठीक है, यानी कि शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव करना टू ऑब्टेन फ्लीस. फ्लीस क्या है? वही जो हेयर्स को हम ऑब्टेन करते हैं, कि हेयर्स ऑफ शीप आर कॉल्ड फ्लीस. ठीक है, तो जो शीप के हेयर्स होते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग. ठीक है, शियरिंग करते हैं तो वो रेजर से करते हैं, जो भी मशीन से करते हैं. ठीक है, शियर्ड जो शॉर्न शीप्स होते हैं उनको जो है वापस से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उनको टब में डाला जाता है, और आइदर दे आर यू की बाथ विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिकॉज मे बी कुछ इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उनको जो है अच्छे से नहलाया जाता है, फिर उनको भेज दिया जाता है वापस से. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वॉशिंग. ओके, तो द फ्लीस जो हमें मिला है उसको वॉश करना है टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, डर्ट, ग्रीस, जो गंदगी वगैरह है उनको साफ करने के लिए उनको वॉश किया जाता है. तो द वॉशिंग ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड सौरिंग. ठीक है, तो फ्लीस को जो वॉश करने का जो प्रोसेस है उसको सौरिंग बोलते हैं. ओके, अच्छे से साफ कर लिया, कैसे के साफ करते हैं, उनको टब में डालते हैं. ठीक है, मतलब जो सोपी सॉल्यूशंस हैं होते हैं टब में, उनको डालते हैं, उनको साफ करते हैं, या फिर गर्म पानी में उनको धोते होंगे. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सौरिंग. नेक्स्ट क्या है आपका? सॉर्टिंग. ओके, तो सॉरिंग किया यानी कि हमने उसको जो है आपका वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं, आफ्टर दैट ड्राई हो जाता है, देन उसमें से अब सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि सेपरेट करेंगे जो आपके फाइबर्स होते हैं. ठीक है, जो स्मॉल एंड जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको बर्स बोलते हैं, बी यू बर्स बोलते हैं. ठीक है, सो दीज स्मॉल फाइबर्स आर सेपरेटेड एंड लॉन्ग फाइबर्स आर सेपरेटेड. ठीक है, तो उनको सॉर्टिंग की जाती है, छोटे बड़े करके अलग किया जाता है. ओके, सो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को सेपरेट किया जाएगा. नाउ
नेक्स्ट है आपका कार्डिंग. ओके कार्डिंग क्या है? इट इज अ यू नो की प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग ऑफ फाइबर्स. ठीक है, तो जो सेलेक्टेड फाइबर्स होते हैं, जो मतलब जो स्मॉल फाइबर्स हैं उनको अलग कर दिया, जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको अलग कर दिया. ठीक है, तो जो भी फाइबर्स होते हैं उनको कार्डिंग किया जाता है. कार्डिंग मीन्स कि जो फाइबर्स मिलते हैं उसको जो है रोलर्स पे चलाया जाता है. ठीक है, रोलर्स जो होते हैं वो उनको स्ट्रेट कर देते हैं. ओके और उससे क्या हो जाता है कि कुछ अनवांटेड मटेरियल्स फिर रिमूव हो जाते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट है आपका टाइम. यू नो कि जो शीप होते हैं वो आपके एक ही दो कलर के होंगे, या तो वो ब्राउन होंगे, वाइट होंगे, या क्रीम कलर के होंगे, वो लाइट कलर होते हैं. तो हम क्या कहते हैं, हम तो उलन तो डिफरेंट कलर्स के क्लॉथ्स पहनते हैं. ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं उनको फिर डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में. ठीक है, सो फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स बिकॉज यू नो कि शीप द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज वेरी लाइट वाइट एंड ब्राउन इन कलर. नाउ स्पिनिंग. ओके स्पिनिंग मीन्स घुमाना. तो अब जो हमने ड्राई कर लिया है, मतलब डाई कर लिया है, अब क्या करना है, जो फाइबर्स मिले हैं उनको स्पिन करना है इनटू यार्न. ठीक है, तो अब उसको स्पिन किया जाता है, फाइबर्स स्ट्रेट किया जाएंगे, उनको कॉम किया जाएगा और रोल्ड इनटू यार्न. ओके तो लॉन्गर फाइबर्स जो होते हैं आर मेड इनटू ऊल फॉर स्वेटर्स, एंड द शॉर्टर फाइबर्स जो होते हैं उनको स्पिन कर लिया जाता है और ऊलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. ठीक है, क्लियर. नाउ नेक्स्ट है आपका वेविंग. तो जो हमने जो लॉन्ग फाइबर्स जो ऊल के लॉन्ग फाइबर्स थे उनको जो यार्न किया था, अब उसको वेव करना है. ठीक है, वेव करते विद द हेल्प ऑफ वेविंग मशीन. ठीक है, और वेव करके फिर ओलन क्लॉथ्स यानी कि वोवन क्लॉथ्स बनाते हैं. ठीक है, अब वो फिर उसके बाद उसको फिनिश किया जाता है, मतलब ओलन कपड़े बनाते हैं उससे. ओके क्लियर. और इस प्रोसेस के लिए क्या किया जाते हैं, वो अच्छी ब्रीड के यानी कि अच्छे स्पीसीज के शीप को यूज किया जाता है. ओके ना अब ये है कि जो आपके ऊलन फाइबर्स हमें ऑब्टेन होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऊल. तो द क्वालिटी ऑफ ऊल जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि हमने कौन सी ब्रीड का शीप लिया है. ठीक है, सो ऊलन फाइबर्स जो होती हैं depends on the quality of wool fibers depend of the fibers number of crimps. okay number of crimps or curls per centimeter and tensile strength यानी कि वो कितना सीधा रह पाते हैं. ठीक है, इस पे उसकी quality depend करती है. so keeping these criteria तो जो get woolen को ऊल को हम जो weave करते हैं, ठीक है, वो दो system से करेंगे. first है आपका worsted system and second one is woolen system. okay वॉस्टेज सिस्टम में क्या करते हैं, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ऊल के. ओके सो इन वॉस्टेज सिस्टम देयर इज लॉन्ग फाइबर्स एंड दे आर यू नो कि पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉम्ब्ड. ठीक है, तो जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ लगाते हैं उनको और फिर उनको कॉम्ब करते हैं. ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जो फैब्रिक्स हमें मिलते हैं वो जो मतलब जो वॉस्टेज सिस्टम में फैब्रिक्स को हम वेव करते हैं वो ड्यूरेबल होंगे. ठीक है, यानी कि वो थोड़ा मजबूत होते हैं एंड उनकी स्मूथ फिनिश में बिल्कुल चिकने होंगे, कहीं कोई भी ऐसा फ्लफी पार्ट नहीं होगा. ठीक है, एंड जो वॉस्टेड फैब्रिक्स होते हैं उनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सूट्स एंड ड्रेसेस. तो उनके जो एग्जांपल जैसे कि फ्लैनल है, गबरडाइन है, क्रीप है एंड ब्लैंकेट क्लॉथ. ओके नाउ सेकेंड वन इज ऊलन सिस्टम. ऊलन सिस्टम में क्या करते हैं कि जो मिक्स्ड लेंथ के फाइबर्स होते हैं उनको वेव किया जाता है. छोटे बड़े फाइबर्स को जो इंटरलॉक करके वेव किया जाएगा और उनसे यार्न बनाए जाते हैं. ठीक है, इस सिस्टम में जो ऊल हमें मिलते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट लेंथ के होंगे. ठीक है, और इसको जो हमें वेव जो फैब्रिक हमें मिल रहा होता है ऊलन फाइबर्स का, उसको फिर यूज किया जाता है आपके स्वेटर्स एंड कारपेट्स बनाने के लिए. ठीक है, तो ये वाले जो ऊलन सिस्टम वाले जो फैब्रिक्स होते हैं या फिर जो ऊलन फाइबर्स होते हैं वो रफ और थिक होते हैं, यानी कि थोड़ा आपके रफ और थिक होंगे. ओके ना हमारी कंट्री में जो है वो सबसे ज्यादा ऊल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपके दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ईरान है, इंडिया, रसिया और अर्जेंटीना. इंडिया का जो नंबर है वो 10th है, यानी कि इंडिया ऊल प्रोडक्शन में 10th रैंक पे आता है. ओके क्लियर. नाउ
जिस इंडस्ट्रीज में ये ऊल फाइबर्स को बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क ये होता है कि भाई शीप से हमने उनके हेयर को रिमूव किया, देन उसको वॉश करते हैं, ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में क्या हो सकता है कि देयर इज अ ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यहाँ पे रिस्क है अ डिजीज कॉल्ड एज सॉर्टर्स डिजीज। ठीक है, और ये सॉर्टर्स डिजीज जो होती है वो एक एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होती है जो कि एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, तो मे बी जो आपके पर्सन जो वर्कर्स होते हैं उनको ये डिजीज हो सके, तो बहुत ही सावधानी मतलब बहुत ही केयरफुली ये काम किया जाता है, बिकॉज डिजीज इज वेरी फैटल, डिजीज इज फैटल सॉरी। ठीक है, मतलब वो डिजीज अगर हो जाए तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रिस्क, जो लोग काम करते हैं वो रिस्क पे काम करते हैं और यहाँ पे बहुत ही केयरफुली काम किया जाता है। ओके, क्लियर ना? आपने देखा होगा कि ऊल के लिए क्या किया जाता है, एक सिंबल यूज किया जाता है ऊल की क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो ऊल मार्क सिंबल होता है। ओके, ऊल मार्क इज अ सिंबल टू ऑफ क्वालिटी टू एश्योर दैट द ऊल क्लॉथ इज मेड फ्रॉम प्योर ऊल। ठीक है, तो ऊल जो भी क्लॉथ होते हैं या फिर जो आपके ऊल अगर लेने जाते हैं तो उसके ऊपर भी आप देखोगे इस तरह का मार्क बना होता है, तो ये शो करता है कि दिस ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर ऊल फाइबर। ओके, एंड दिस लोगो जो होगा वो असाइन किया गया है बाय इंटरनेशनल ऊल सेक्रेटेरियट। ठीक है, सेक्रेटेरियट जो कि नॉर्थ यॉर्कशायर में है, यूनाइटेड।